और आपको करनाल से खबर बता रही है जहां पर सीएम फ्लाइंग ने रेड की है। आपको बता दें कृषि कल्याण दफ्तर में ये रेड की गई है। करनाल में सीएम फ्लाइंग की रेड, कृषि किसान कल्याण के दफ्तर में छापेमारी की है सीएम फ्लाइंग ने। सरकारी दफ्तर में दस्तावेजों को खंगाला गया। करनाल से खबर बता रहे हैं हाजिरी रजिस्टर भी चेक किया गया है। सीएम फ्लाइंग की ये कार्रवाई, कई बार सरकारी दफ्तरों की शिकायतें मिली हैं। और चलिए इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता हिमांशु नारंग फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। हिमांशु, सीएम फ्लाइंग ने रेड की है, कृषि किसान कल्याण के दफ्तर में छापेमारी की गई है, क्या कुछ पूरी जानकारी इस कार्रवाई को लेकर? देखिए, करीब 9:30 बजे सीएम फ्लाइंग की टीम कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के दफ्तर में पहुंचती है और वहां पर तमाम कर्मचारी मौजूद थे, लेकिन कुछ कर्मचारी वहां से नदारद थे। लेकिन जब इस बारे में कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के अधिकारियों से पूछा गया तो उन्होंने बताया कि वो इंस्पेक्शन पर गए हुए हैं, लेकिन अभी दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं सीएम फ्लाइंग की टीम की तरफ से, साथ ही साथ हाजिरी रजिस्टर जो है वो भी चेक किया जा रहा है पिछले कुछ दिनों का, कि कितने कर्मचारी समय पर आए हैं, कितने कर्मचारी समय पर नहीं आए, कौन कौन छुट्टी पर है, और साथ ही साथ ये दस्तावेज देखे जा रहे हैं जो लाभ मिलते हैं कृषि एवं किसान कल्याण विभाग की तरफ से हरियाणा सरकार की योजनाओं के, क्या वो लाभार्थियों को लाभ मिल पा रहे हैं, समय पर मिल पा रहे हैं, कहीं कोई घोटाला तो नहीं हो रहा, कहीं कोई अनुशासनहीनता तो नहीं है, तो ये तमाम चीजें चेक की जाती हैं। और ये कोई पहला मौका नहीं है जब कृषि किसी विभाग में सीएम फ्लाइंग की टीम गई हो, इससे पहले अलग अलग सरकारी दफ्तरों में इसी तरीके से छापेमारी होती है ताकि एक कर्मचारियों और अधिकारियों के अंदर डर रहे कि समय पर पहुंचना है, काम करना है, लाभार्थियों को ज्यादा से ज्यादा लाभ पहुंचाना है। और इसी के चलते सीएम फ्लाइंग की जो टीम है वो आज कृषि एवं किसान कल्याण के दफ्तर में पहुंची है और अभी भी जो दस्तावेज खंगालने का काम है वो जारी है। बिल्कुल हिमांशु, देखिए कई बार सरकारी दफ्तरों की शिकायतें यहां पर मिली है और उसके बिहाफ में ये कार्रवाई यहां पर की गई है। हाजिरी रजिस्टर भी चेक किया गया है, क्या कुछ सामने आया है? देखिए, अभी जो है सीएम फ्लाइंग के किसी भी अधिकारी ने मीडिया से बात नहीं की है। हालांकि जो कृषि विभाग के अधिकारी हैं उन्होंने जब जरूर मीडिया से बात की है और उन्होंने ये बताया है कि जो भी दस्तावेज मांगे जा रहे हैं वो हमारी टीम की तरफ से दिए जा रहे हैं। अमूमन देखने को मिलता है कि कर्मचारी अगर 9 बजे का समय है तो 9:30 पहुंच रहा है, 9:30 बजे का समय है तो 10 बजे पहुंच रहा है, कई बार छुट्टी बिना एप्लीकेशन के ले रहा है, तो ये तमाम खामियां रहती है जिसके चलते पब्लिक परेशान होती है और सरकारी कर्मचारी और अधिकारी की जिम्मेदारी बनती है, नैतिक जिम्मेदारी की, वो समय पर पब्लिक का काम करे। तो वो तमाम खबर पर जानकारी के लिए आपका बेहद शुक्रिया, आपसे आगे भी इस बारे में जानकारी ली जाएगी।